News 18, India. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामन देशमुख और बिहार की सियासत से जुड़ी हर अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बिहार में आखिर आगे क्या होने वाला है, सबकी निगाहें और नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी एमएलए एमएलसी को शामिल होने के लिए कहा गया है और ये बैठक कल दोपहर 1 बजे बुलाई गई है। तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर ही ये बैठक बुलाई है। समझने की कोशिश करिए कि बिहार की सियासत में इस वक्त बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कल दोपहर तेजस्वी यादव के घर पर यह बहुत बड़ी बैठक होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर नीतीश ने पाला पलटा तो फिर से सत्ता जो इस वक्त यहां पर साथ दे रही है वो बेदखल हो जाएंगे और सत्ता की तस्वीर भी बदल जाएगी। और इसी वजह से आरजेडी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आखिर नीतीश क्या करने वाले हैं, वो अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दें और फैसला ले लें, ताकि जितनी हलचल मचती हुई दिख रही है वो सब साफ होती हुई नजर आए। आरजेडी इस बात को बखूबी जानती है कि नीतीश कभी भी अपना पाला यहां पर बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जहां आरजेडी और जेडीयू की राहें कभी एक नहीं हुई, लेकिन सियासी खेल ऐसा हुआ कि ये राहें एक हुई और सत्ता पर काबिज भी हुए, जनता के बीच में प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों पार्टियां यहां पर नजर आई। लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश के लिए सियासी दरवाजे क्या बीजेपी खोल रही है, जिस पर ताला साल 2022 पर लग चुका था, इसे लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत जल्द शिवानी इसका जवाब भी मिल जाएगा। जी सबीना, और बिहार की राजनीति की बात जब भी आती है तो बिहार की जो राजनीति है वो लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। लेकिन अब जो ये सियासी दोस्ती थी, क्या ये टूटती हुई यहाँ पर नजर आएगी, आगे क्या होगा, इसको लेकर मंथन लगातार दोनों ही खेमों में लगातार किया जा रहा है। नीतीश क्या बड़ा फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ठीक है, तो देखिए एक बड़ी बैठक जो है कल होनी है, लेकिन सीधे लिए चलते हमारे सहयोगी यतीन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए। यतीन्द्र, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी जो विस्तार कार्यालय पर, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीएल संतोष और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पहुंच गए हैं। बिहार को लेकर एक बड़ी बैठक बीजेपी विस्तार कार्यालय में शुरू हो गई है, क्योंकि क्या स्वरूप होगा, अगर किस तरह से अगर जेडीयू के साथ हाथ मिलाना है तो सरकार का और संगठन का क्या स्वरूप होगा, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों की रणनीति क्या होगी, और सरकार में नीतीश अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो बीजेपी किस तरह से, दोनों डिप्टी सीएम, जो दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है क्या वही रहेगा, या दोनों डिप्टी सीएम नए चेहरे के तौर पर लाएगी जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया था, तो पूरा नफा नुकसान किस तरह से होगा उसके आकलन के लिए ये चारों लोग बीजेपी विस्तार कार्यालय में बैठ चुके हैं। बड़ी बैठक बीजेपी ऑफिस में हो रही है, उसके साथ साथ जो बीजेपी के सहयोगी हैं, क्योंकि एक खास सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी है उसमें, लेकिन नीतीश का उनके साथ जग जाहिर है कि किस तरह के आंकड़े उनके साथ रहते हैं, 36 का आंकड़ा रहता है, और चिराग पासवान सुबह से समय मांग रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, लेकिन अभी तक उनको समय नहीं दिया गया है, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है देर रात का समय मिले, लेकिन फिलहाल समय नहीं मिला है, तो ये भी चिराग को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि नीतीश के प्रेशर में पहले की तरह बीजेपी ना आ जाए और उनको सियासी तौर पर नुकसान ना उठाना पड़े। उनके घर के बाहर मैं खड़ा हूँ चिराग पासवान के, लेकिन अभी तक उनको समय नहीं मिला, सुबह से वो समय मांगने के लिए अपने घर पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको बुलावा आएगा, कब वो अपनी बात बीजेपी नेतृत्व से कह पाएंगे। लेकिन उधर बीजेपी नेतृत्व इसी नफा नुकसान को लेकर कि किस सहयोगी को लेकर साथ चलना है, या नीतीश की शर्तें क्या हो सकती हैं, उन पर कितना उनको माना जाएगा या कितना आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी